और इस बीच बड़ी खबर आपको मथुरा से बता दें, बड़ी खबर ये कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में होगी सुनवाई। हिंदू महासभा के पक्षकार दिनेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई होनी है। ईदगाह के नीचे मंदिर के सबूत और शिलालेख होने का दावा किया गया है। शिलालेख और प्राचीन अवशेषों से छेड़छाड़ की जताई गई है आशंका। अमीन भेजकर शाही ईदगाह में वस्तु स्थिति कायम रखने की अपील की गई है। अपील पर शाही ईदगाह पक्ष देगी अपनी दलील और सिविल जज की अदालत में होगी मामले की सुनवाई। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में जल्द ही सुनवाई होनी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कन्हैया इस वक्त जुड़े हुए हैं। कन्हैया, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई होगी अब जल्द ही? जी बिल्कुल, हिंदू हिंदू महासभा के पक्षकार हैं दिनेश शर्मा जो सचिव हैं, इनकी ओर से याचिका दायर की गई है और न्यायालय इस मामले पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय से अपील की गई है कि शाही ईदगाह है वहां पर जो पत्थर और जो अन्य अवशेष हैं वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के हैं, जो मंदिर को मंदिर के जो पत्थर हैं शिलालेख हैं उनको वहां पर लगाया गया है। ऐसे में न्यायालय से अपील की गई है कि न्यायालय वहां पर एक टीम भेजे जो जांच और सर्वे रिपोर्ट वो न्यायालय में प्रस्तुत करे। ऐसे में देखना होगा कि न्यायालय सुनवाई करता है और अगला आदेश क्या न्यायालय की ओर से दिया जाता है। सभी की निगाहें इस बार न्यायालय के आदेश को लेकर टिकी हुई है। श्री कृष्ण जन्म स्थान के 13.37 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर ये याचिका दायर की गई है, जहाँ पर श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह पक्ष के अधिवक्ता अपनी अपनी दलीलें न्यायालय के सामने रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया जानकारी के लिए।